This fiercely spicy chicken curry from Nagpur is definitely not for the faint-hearted. And as I belong to Nagpur, मैं आपके साथ authentic साउजी chicken curry बनाने के all inside tips and tricks share करूँगी, जिससे कि आपकी साउजी chicken curry एकदम deep brown color की और thick consistency की बनेगी. So friends, if you like spicy chicken curries, this recipe is a must try for you. And if you like it, do share it with your friends, hit the like button and subscribe to my channel. Hi friends, this is Neha. Welcome to Desert Masala, your place to learn amazing recipes. So let's get ready. सबसे पहले हम साउजी चिकन का स्पेशल मसाला बना लेते हैं. इसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 7-8 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1/2 कटा जायफल, 1 जावित्री फूल, 1 चक्री फूल, 2 लौंग, 1 टीस्पून पत्थर फूल, 1 इंच दालचीनी के ऐसे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून शाही जीरा, 4-5 तेज पत्ते. अब इन सबको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जब तक इनमें से अच्छी खुशबू ना आए. यहाँ आप मसालों को ध्यान में रखिए, मसालों से ही टेस्ट में डिफरेंस आता है. आपने मेरा मैंगलोरियन चिकन घी रोस्ट का वीडियो तो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए. उसमें ना मैंने जायफल, जावित्री, पत्थर फूल, शाही जीरा इन मसालों का यूज नहीं किया था, पर साउजी चिकन में ये मसाले और जो हम आगे भी डालने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. 2 मिनट इन्हें भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, और अब जाएगा अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट 1 टीस्पून जवार आटा. इससे क्या है ना, अपनी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी आएगी. और लास्ट में डालेंगे 8-9 लाल मिर्च. इन्हें भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे. अभी हमें सूखे नारियल को भून लेना है. इसे हमें डायरेक्टली गैस पे भून लेना है. यहाँ मैंने 1/4 कटा सूखा नारियल लिया है. इसे आप इस तरह से फ्लेम पे रख दीजिए. फ्रेंड्स, बी बिट केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस. नारियल का ऊपर का लेयर काला होने तक हमें इसे अलट पलट कर भून लेना है. इससे अपनी ग्रेवी को स्मोकी टेस्ट आएगा. पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हमें नारियल को पूरा जलाना नहीं है. तो ये देखिए, हमारा नारियल भी अच्छे से भून के रेडी है. इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे. जब तक अपने खड़े मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम ग्रेवी के लिए प्याज को ऑयल में भून लेते हैं. इसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें 2 बड़े प्याज को काट के डाल देंगे. हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेना है. तो ये देखिए, अपने प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं. अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे. हमारे सारे मसाले भी अब ठंडे हो गए हैं. अब इन्हें पीसने में आसानी जाए, इसलिए हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और मिर्ची की भी डंठल निकाल लेंगे. इन सारे मसालों को ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे. तो ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पीस गया है. अब इसे एक कटोरी में निकाल के रख देंगे. सिमिलरली हम प्याज की भी पेस्ट बना लेते हैं. इसके लिए प्याज को एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे और साथ ही में इसके साथ डालेंगे धनिया.
धनिया के हमें स्टेम्स भी साथ में रखनी है, इससे टेस्ट बहुत उठ के आएगा। और लास्ट में इसमें जाएगा अपना दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पालक। यहाँ मैंने दो पालक के पत्ते इसमें तोड़ के डाले हैं। पालक से ना फ्रेंड्स अपने ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा डार्क ब्राउन आएगा। अब इसकी भी पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी थोड़ी अलग तरीके से डालनी है। इसके लिए यहाँ मैंने एक कटोरी में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे। फिर इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल के मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ मैं 1 किलो चिकन करी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स साउजी चिकन में स्किन वाला और थोड़ा भुना हुआ चिकन यूज होता है। चिकन शॉप वाला आपके कहने पर आपको ये करवा के दे देगा। अब हमारी सारी प्रेपरेशंस हो गई है, अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। इसके लिए एक डीप कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी तेल। साउजी चिकन में तेल की कंजूसी बिल्कुल नहीं, जितना इसमें तेल ज्यादा जाएगा उतना ही इसका टेस्ट उठ के आएगा। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पानी जो हमने बना के रखा था। अदरक लहसुन को इसमें इस तरह से डालने से ये जलेगा नहीं। इसे डालते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिए, तेल उड़ने के चांसेस होते हैं। 1 मिनट इसे पकाने के बाद फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी और रेड चिली पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे अपनी बनाई हुई प्याज, पालक और धनिया की पेस्ट और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे पकाने के बाद फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा धनिया और फिर डालेंगे अपना बनाया हुआ स्पेशल साउजी मसाला और लो फ्लेम पे इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से तेल में पकने देंगे। अगर आपको लगे कि नीचे से जल रहा है तो आप इसमें बीच बीच में 1 टीस्पून पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। आफ्टर 3-4 मिनट्स जब आपको दिखे कि आजू बाजू से तेल छोड़ रहा है तब समझ जाइए कि अपना मसाला तेल में अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। अब इस चिकन को इन मसालों में अच्छे से मिक्स करके बिना पानी डाले 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। मिनट बाद चिकन में मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो गए हैं। अभी हमें इसमें 1 ग्लास पानी डालना है। और इस चिकन को अच्छे से पकने तक लो फ्लेम पे स्लो कुक करना है। मिनट स्लो कुक होने के बाद अपना चिकन अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार भी इसमें डाल सकते हैं। नमक हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं ताकि चिकन ओवरकुक ना हो।
और लास्ट में कुछ बारीक कटा धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे। तो ये देखिए हमारी तर्री वाली स्पाइसी नागपुर स्टाइल सावजी चिकन करी बनके रेडी है। आप इसे रुमाली रोटी या फुल्का रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब इट फॉर रेगुलर रेसिपी अपडेट्स।